Once again, welcome students. आज आप इस पिक्चर को देखिए और मुझे बताइए कि ये बॉय यानी कि लड़का क्या कर रहा है. What is the boy doing in the picture? Yes, he is running. लड़का दौड़ रहा है. What is the girl doing? लड़की क्या कर रही है? जल्दी से बोलो, लड़की क्या कर रही है? The girl is running. लड़की दौड़ रही है. दौड़ने को हम क्या कहते हैं? Run. R U N. Now see the picture again and tell me what is the woman doing? ये औरत क्या कर रही है? Very good. ये औरत भी उस boy और उस girl की तरह run कर रही है, यानी कि दौड़ रही है. जी हाँ, यूनिट 3 आपकी बुक में से यूनिट 3 एक पोइम है जिसका नाम है रन. तो अब आप रन का मतलब तो समझ ही गए होंगे. तो जल्दी से आज इसी पोइम में से कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं आपको बुक में, जो कि हम आज सीखेंगे. वंस अगेन, ये सब क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे ऑल डूइंग? यस, व्हाट आर दे ऑल डूइंग? दे आर रनिंग. ये सब दौड़ रहे हैं. रन यानी कि दौड़. ये सब दौड़ रहे हैं. वेरी गुड. अब इस पिक्चर को देखिए. आपको नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, R A I N D R O P S, रेन ड्रॉप्स, यानी कि बारिश की बूंदें, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होंगी. अब ये कार्टून ने बारिश की बूंदों को क्या कर दिया? नीचे धकेल दिया, यानी कि बीनीथ. बीनीथ मतलब नीचे, अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, इन सभी वर्ड्स का एक ही मतलब है, यानी कि नीचे. ओ, ये कार्टून तो फिर से आ गया. अब ये क्या लेकर आया है? बिल्ली. जी हाँ, कैट. और कैट कहाँ बैठी है? ध्यान से देखिए और बोलिए, कैट कहाँ बैठी है? बीनीथ. कहाँ बैठी है? बीनीथ, अंडर. वेरी गुड. नाउ सी द पिक्चर. ब्रीज, बी आर डबल ई जेड ई, ब्रीज, यानी कि पिक्चर को देख के आप समझ ही गए होंगे, ब्रीज यानी कि मीठी मीठी हवा. तेज हवा नहीं, सिर्फ मीठी हवा, धीरे धीरे जो चलती है. अब बताइए, हिल साइड. हिल यानी कि पहाड़, साइड यानी कि किनारा. तो हिल साइड का मतलब पहाड़ का किनारा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा. हिल साइड मीन्स पहाड़ का किनारा. मीडो. व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? एम ई ए डी ओ W, मीडो, यानी कि घास से भरा हुआ मैदान. कोई भी ऐसा मैदान जो पूरा घास से भरा हो, उसे हम मीडो भी कह सकते हैं. वाओ, ये सारी पिक्चर्स देख के हम क्या हो गए? खुश, हैप्पी, मैरी.